जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, भक्तों, भगवान की प्राप्ति कैसे हो? क्या कोई ऐसा सरल सुगम तरीका है कि जिससे भगवान की प्राप्ति बड़ी ही शीघ्र हो जाए? प्यारे भक्तों, तरीके तो बहुत सारे हैं। अगर आपने उनमें से एक तरीका भी अपना लिया तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आज हम आपको एक छोटी सी कथा के द्वारा समझाते हैं। प्यारे भक्तों, एक बार संत रामदास जी के पास एक शिष्य आया और उसने पूछा, महाराज मैं कौन सी साधना करूं जिससे मुझे जल्द ही प्रभु की प्राप्ति हो जाए? तो प्यारे भक्तों, रामदास जी ने उत्तर दिया, कोई भी कार्य करने से पहले यदि तुम यह निश्चय करोगे कि वह भगवान के लिए किया जा रहा है तो तुम्हारे लिए यही साधना उत्तम होगी। तुम यदि तय कर लो कि तुम्हें दौड़ना है तो दौड़ो, किंतु दौड़ने से पहले यह निश्चय कर लो कि तुम भगवान के लिए दौड़ रहे हो, तब यही तुम्हारी साधना होगी। तो प्यारे भक्तों, शिष्य को संतुष्टि नहीं हुई। शिष्य ने फिर से पूछा, गुरुवर क्या बैठकर करने की कोई साधना नहीं है? क्या मैं जप और तपस्या द्वारा साधना नहीं कर सकता? तो प्यारे भक्तों, फिर संत रामदास जी बोले, हाँ जप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम भगवान के लिए कर रहे हो। यानी जो जप आप करते हैं वो जप आप अपने लिए नहीं, वो भी भगवान के लिए करते हो। अगर जिस दिन आप में ऐसा भाव आ गया प्यारे भक्तों, उस दिन बेड़ा पार है। प्यारे भक्तों, इसमें भाव का महत्व है, क्रिया का नहीं। शिष्य समझ नहीं पाया। तब संत रामदास बोले, क्रिया का भी महत्व है। क्रिया से भाव और भाव से ही तो क्रिया होती है, लेकिन ऐसे समय में आपकी दृष्टि लक्ष्य की ओर होनी चाहिए। तुम जो कुछ भी करोगे वही साधना होगी। लक्ष्य के लिए क्रिया और भाव की आवश्यकता होगी। इस योग का नाम साधना है और इन्हीं से सिद्धि प्राप्त होती है। यदि जीवन में एक लक्ष्य हो, आप पूरी तरह उसके प्रति समर्पित हैं, उसमें आप सब कुछ न्यौछावर कर दें, तो प्यारे भक्तों, फिर आपको भगवान प्राप्ति से कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपना लक्ष्य एक रखो कि हमें भगवान को पाना है, हमने नाम जप करना है तो करना है, और वो भी भगवान के लिए करना है। लेकिन प्यारे भक्तों, बहुत से भक्तजन ऐसे हैं कि कभी इधर कभी उधर, इससे ये नहीं हुआ तो दूसरी को पकड़ते, तीसरी, ऐसे तो प्यारे भक्तों कहीं के भी नहीं रहोगे। आप एक साधन को अपना लो और उसी के ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दो, तो फिर देखो दुनिया की कोई ताकत अगर आपको रोक सके भगवान प्राप्ति होने से, तो मुझे बताना कमेंट करके। लेकिन आप अडिग तो रहो एक बात के ऊपर और समर्पित तो हो पूर्ण तरह से, कुछ करते हो नहीं, विश्वास आपका रुकता नहीं है, फिर प्राप्ति भी कैसे होगी? प्यारे भक्तों, 100% समर्पण कर दो और 100% विश्वास रखो और अपना लक्ष्य एक ही बात के ऊपर रखो, तो फिर वो दिन दूर नहीं जो आप चाहते हैं, यानी कि भगवान की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।